नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे शानदार सा एक प्रॉपर्टी, एक नहीं बल्कि दो दो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। एक आपको शॉप दिखाऊंगा, दूसरा रहेगा आपका 1 RK और स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस में है ये वाला प्रॉपर्टी। एफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। अगर आपका बजट है 6.5 लाख के आसपास, आपको ज़्यादा डाउन पेमेंट नहीं आना चाहिए, EMI आपका कम जाना चाहिए 6000-7000 के आसपास, तो आप इस वाले प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हो। नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है, स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो को देख लेना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा मेन गेट से, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गेट। आपको प्रॉपर तरीके से आपको गेट भी मिल जाता है, प्लस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 7-8 फीट के आसपास आपको बीच में आपको गैप मिल जाता है। और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो अवेलेबल है ना, वो आपको 1 RK मिल जाएगा। शो वाला मैं आपको इसमें दिखा दूंगा, इसमें नहीं बल्कि एक शो हमारा बना हुआ है जिसको हमने पोजीशन वगैरह दे दिया है, तो उसका मैं आपको शो दिखा दूंगा। बाकी आपने देख लिया होगा पूरा इस तरीके के आपको ग्रिल वगैरह यहाँ पर आपको लगा कर दिए गए हैं, CCTV कैमरा आपको यहाँ पर लगा कर दिए गए हैं। ज़्यादातर जगह में आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिलता, लाइक बिल्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको चॉल रूम पर भी CCTV कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हो कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपको CCTV कैमरा लगाकर दिए गए। बाकी एंट्री पे भी आपको CCTV कैमरा लगाकर दिए गए। आइए मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। रास्ते पे है, अंदर है, और चारों तरफ आपको यहाँ पर CCTV कैमरा, मतलब एक बिल्डिंग टाइप का आपको यहाँ पर मेन गेट हो गया, CCTV कैमरा हो गया, वो सारी चीज़, ये सारी चीज़ ज़रूरी है आज के तारीख में। देख सकते हो यहाँ पर भी आपको CCTV कैमरा, आपका ये सड़कें है, रेलवे स्टेशन आपका 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपको CCTV कैमरा। टोटल यहाँ पर हमारे पास 6 दुकानें हैं, 6 में से सिर्फ आपको एक ही हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपका 125 स्क्वायर फीट का आपका शॉप रहेगा। बाकी सारे शॉप जो है ये पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। अगर आपका बजट कम है, 5.5 लाख के आसपास का आपका बजट है एक शॉप का, तो आप यहाँ पर आ जाइए, ये शॉप आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे आप देख लीजिए, काफ़ी सारे छोटे मोटे दुकान आपको मिल जाएगा, पास में आपका इंग्लिश स्कूल भी है, और ये है आपका शॉप। मैं आपको दिखा देता हूँ, 125 स्क्वायर फीट का ये है आपका दुकान। फिलहाल ये सेल्स ऑफिस बनाकर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो यूज़ करने के लिए कितने मिल रहा है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 12 फीट ऐसे लंबाई में ऐसे में आपको मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ऐसे में आपको 10 फीट मिलेगा। ऐसे में आपको कितना मिलेगा, 12 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी शॉप में आपको क्या मिलता है आप देख लीजिए, यहाँ पर 5 फीट के आसपास, 4 फीट के आसपास आपको यहाँ पर टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। वॉल में कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन मिल जाता है, इस तरफ देख लीजिए फॉल सीलिंग आपको PVC शीट का शानदार सा फॉल सीलिंग आपको मिल जाता है। CCTV कैमरा यहाँ पर आपको लगाकर जो रखा है अभी यहाँ से एक्सेस हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका स्क्रीन मिल जाता है। फिलहाल इसे जो है इसे सेल करना है और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये आपका दुकान हो गया आपका 125 स्क्वायर फीट का। बाकी ऑलरेडी मैंने इसका 1 BHK का भी डाला है, अगर आपने 1 BHK का नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना, 1 BHK का भी मैंने डाल दिया। 9 लाख में आपको मिल रहा है यहाँ पर 1 BHK। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका इंग्लिश स्कूल है, पास में आपका स्कूल है जिसका नाम है यहाँ पर रुद्रा इंग्लिश मीडियम स्कूल बोल के यहाँ पर आपको स्कूल दिए गए दोस्तों। बिल्कुल आपका प्रॉपर्टी का बगल में आपका यहाँ पर स्कूल मिल जाता है। आसपास का प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ G+4+4 का प्रॉपर्टी काफ़ी सारे अवेलेबल है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी ये सोल्ड हो चुका है, ये भी सोल्ड है, ये भी सोल्ड है, और सिर्फ कॉर्नर का एक आपको 1 BHK मिल जाएगा। ये कॉर्नर वाला आपका 1 BHK 350 स्क्वायर फीट का रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। बाकी जो मैं आपको शो दिखाऊंगा इस वाले, इसमें सेकेंड नंबर वाला देख लेते हैं, आइए आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये है आपका पैसेस का एरिया 1 BHK का। अगर आपको चाहिए 1 BHK तो कॉर्नर वाला आपको 1 BHK मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है, वॉल टू वॉल यहाँ पर भी आपको टाइल्स लगाकर मिल जाता है। और ये है आपका मेन डोर, एक एक करके दिखा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। ये है आपका मेन डोर और इसका एरिया है 220 स्क्वायर फीट का आपका रहेगा 1 RK। ये आपका मेन डोर हो गया और ये है आपका लिविंग। अब लिविंग का साइज़ आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10 फीट 11 फीट लंबाई में आपको 11 फीट का आसपास मिलेगा, और ऐसे में आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ऐसे में आपको 10 फीट ऐसे में आपको 11 फीट का आसपास मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको चारों तरफ टाइल्स लगाकर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो 4 फीट के आसपास तक आपको टाइल्स मिल जाता है। इस वाले वॉल पर आपको डिफरेंट कलर दिए गए हैं, इस वाले वॉल पर शानदार सा आपको कलर दिए गए PVC शीट का, यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग बनाकर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का LED लाइट आपको मिल जाता है, यहाँ पर है, कॉर्नर पे है, इस वाले कॉर्नर पे भी आपको मिल जाएगा, इस वाले कॉर्नर पे भी आपको बनाकर दिए गए। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका पावर पॉइंट लाइट और फैन के लिए, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। जो हमने वायरिंग यूज़ किया है वो है आपका पॉलीकैप का वायरिंग यूज़ किया है दोस्तों। इस तरफ है आपका फोटोज़ वगैरह, बेल वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर आपका आ जाएगा घड़ी, और इस तरफ है आपका विंडो। ये है दोस्तों आपका विंडो, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ।
ये वाला ओपन नहीं होगा शायद, नेट वाला। तो यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगा हुआ ही आपको मिल जाता है, 4x4 के आसपास विंडो रहेगा। ये तो हो गया, ये आपका सोल्ड आउट हो चुका है, इसका हमने पोजीशन वगैरह भी दे दिया और इसे देना है रेंट पे। लेकिन जो अवेलेबल रहेगा एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं, ये बस जस्ट क्लीन है और पूरा पोजीशन दिया है, इसकी वजह से मैं आपको ये वाला आपको दिखा रहा हूँ। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेगा आपका 1R के 220 square feet का। बाकी आपने देख लिया, ये आपका लिविंग और किचन का एरिया आप देख लीजिए। ये है दोस्तों आपका किचन, किचन का साइज आप देख सकते हो, लंबाई में आपका काफी सारा रहेगा, 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 feet के आसपास, 8 feet 4 inch। प्लेटफॉर्म छोड़ के आपको 8 feet 4 inch के आसपास मिल जाएगा और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1, 2, 3 यानी कि 6 feet 6.5 feet, ऐसे में आपको 6.5 feet, ऐसे में आपको 8 feet 4 inch के आसपास यूज करने के लिए मिलेगा। और किचन में आपको कैसे मिलता है देख लीजिए, पूरा वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो ये पूरा आपको यहाँ पर पूरा किचन में आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। होता है ऐसे कि बारिश के टाइम पे पूरा पपड़ी वगैरह निकल जाता है, तो इसकी वजह से वॉल गीला होता है ना इस टाइम पे बारिश की वजह से ना, तो यहाँ पर पपड़ी वगैरह निकल जाता है कभी कभी। तो होता है ऐसे कि टाइल्स अगर लगा दिया तो घिसने का चांसेस वगैरह कम हो जाते हैं, फिर वो पपड़ी का वो डैमेज वगैरह होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और घर भी देखने के लिए बहुत खूबसूरत लगता है। ऊपर अगर आप देखोगे तो वाटर टैंक यहाँ पर फिट करके रख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है इसका वाटर टैंक, 550 लीटर का है शायद, और काफी सारे एरिया आपको यहाँ पर यूज करने के लिए मिलेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। यह है आपका ग्रीन मार्बल का ये प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ है आपका टॉयलेट और बाथरूम, बैक साइड में एक आपका विंडो रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो, वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको मिल जाता है आपका विंडो, एक रहेगा 2x2 by 2.5x2 का आसपास का रहेगा ये वाला आपका विंडो। और इस तरफ अगर देखोगे तो ये आपका शानदार क्वालिटी का आपका बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। काम का क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, कॉस्ट कटिंग नहीं किया है दोस्तों, और मात्र 6.5 लाख रुपया में आपको मिल रहा है ये वाला आपका प्रॉपर्टी। गीजर के लिए पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है दोस्तों। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका टॉयलेट जो कि आपको मिल जाता है यहाँ पर इंडियन, और एज इट इज यहाँ पर भी आपको वॉल टू वॉल टाइल्स लगाकर दिए गए। तो प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना, अभी मैं आपको एक एक करके बता दूं कि कितने प्राइस पे आपको मिलेगा ये वाला आपका प्रॉपर्टी दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिमांड, सबसे पहले तो मैं आपको शॉप का बताना चाहूंगा, शॉप आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन में, जिसका एरिया रहेगा 125 square feet का, एक ही हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर भी आपको 1 BHK मिल जाएगा सिर्फ सिंगल, और 1R के अभी का तारीख पे आपको मिल जाएगा सिंगल। तो तीनों चीज हमारे पास सिंगल सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है, 1 BHK आपको मिल जाएगा 9 लाख में, 1R के यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6,50,000 विद रजिस्ट्रेशन के साथ में, और आपको शॉप मिल जाएगा 5,50,000 विद रजिस्ट्रेशन जिसका एरिया रहेगा 125 square feet का। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये शानदार प्रॉपर्टी आपका वांगनी रेलवे स्टेशन से 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, चमचमाती हुई प्रॉपर्टी है, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। अगर आपको पसंद आया था दिए गए नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए, विजिट के लिए प्लानिंग कर लीजिए, 80-90% तक आपका लोन हो जाएगा, कुछ ही डाउन पेमेंट देने पर आपको ये वाला प्रॉपर्टी मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा जिन्हें वांगनी के बारे में नहीं पता, स्पेशली उन लोगों के लिए। वांगनी है आपका ठाणे डिस्ट्रिक्ट, मेन मुंबई से घंटा एक सवा घंटे के आसपास डिस्टेंस में आता ही है वांगनी सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।